हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं संबिता आपको हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। आजकल चैट जीपीटी नाम का एक एआई बेस्ड चैटबॉट पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है। आइए आज इसी चैटबॉट के बारे में जानते हैं। आखिर चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा निर्मित एक एआई लैंग्वेज मॉडल है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप बस टाइप कीजिए और ये इसका आंसर दे देगा। क्योंकि ये एक रोबोट बेस्ड मॉडल है, इसका कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं रहता, बट ये काफ़ी नॉलेजेबल है। ये पुराने चैटबॉट के कंपैरिजन में बहुत एडवांस्ड है। कैसे? वेल, ये चैटबॉट आपके पुराने कन्वर्सेशन को भी याद रख सकता है और इसी के आधार पर आपके बाकी क्वेरीज का आंसर करता है। ज़्यादातर ये आपके सवालों के एक्यूरेट जवाब देता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी अच्छा है। इसके पास सारी नॉलेज नहीं है और इंसान के मुकाबले ये इतना स्मार्ट भी नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये क्रिएटिव है और इसका आंसर ऑथोरिटेटिव होता है। आश्चर्य की बात यह है कि चैट जीपीटी के नवंबर 2022 में लॉन्च होने के कुछ ही दिन बाद ही इसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हो गए हैं और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े टेक जायंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो ओपन एआई में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करेगा। दूसरी तरफ ओपन एआई ने चैट जीपीटी प्लस सर्विस का अनाउंस किया है, जहां यूजर्स के लिए रिस्पॉन्स टाइम और भी कम होगा और वो अपने क्वेरीज का आंसर जल्दी पा सकेंगे। पर सवाल ये है कि आप चैट जीपीटी से किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं इस ओपन एआई प्लेटफॉर्म से, बट ये श्योरिटी नहीं है कि आपको इसका आंसर मिलेगा और वो सही ही मिलेगा। चैट जीपीटी कुछ कैटेगरीज का सजेशन देता है, जैसे कि फिजिक्स को एक्सप्लेन करना, कैसे आप एक बर्थडे पार्टी का प्लान कर सकते हैं उसके लिए आइडियाज देना, और अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो आप प्रोग्रामिंग रिलेटेड हेल्प भी इस चैटबॉट से ले सकते हैं। बेसिकली ये आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नॉर्मल क्वेरी पूछा कि व्हाट वर्ड्स राइम विद पर्पल, इसने इसका आंसर क्विकली दे दिया। और जब मैंने इसे पूछा कि टेल मी द लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी, और उसने इसका आंसर भी इमीडिएटली दे दिया। दैट मीन्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्सेटाइल क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करता है। अन्य यूजर की तरह आपके मन में भी कुछ क्वेरीज होंगे चैट जीपीटी को लेकर। आइए कुछ ऐसे ही क्वेरीज को डिस्कस करते हैं। पहला, कि क्या चैट जीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं? यस, आप इस चैटबॉट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसका अगर प्लस वर्जन यूज करना चाहते हैं तो आपको $20 पर मंथ पे करना होगा। और दूसरा सवाल ये भी आ सकता है आपके मन में कि क्या चैट जीपीटी का आंसर हमेशा सही होता है? चैट जीपीटी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता, इसलिए कभी कभी गलत जवाब भी दे देता है। इसके पास अभी 2021 से लेके अब तक का लिमिटेड नॉलेज है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने क्वेरी का आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लें। आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि कौन कौन आपके कन्वर्सेशन को देख सकते हैं। वेल, एज पर द ओपन एआई कंपनी पॉलिसी, वो आपके कन्वर्सेशन को रिव्यू करेंगे कि वो कंटेंट उनके पॉलिसी से कंप्लाई करता है कि नहीं। और वैसे भी कंपनी का कमिटमेंट है कि वो आपके डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। दूसरा सवाल ये आ सकता है आपके मन में कि क्या आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं? वेल, यस यू कैन, बस आप डेटा डिलीशन प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म आपके पर्सनल डेटा और कन्वर्सेशन डेटा को कहाँ सेव करता है, ये भी आता होगा आपके मन में। वेल, ओपन एआई आपके डेटा को कैसे हैंडल करता है और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ जो यूज़ है उसको रेफर कर सकते हैं। कभी कभी यूजर्स के मन में ये भी सवाल आता है कि क्यों चैट जीपीटी आपको ऐसा आंसर देता है कि वो आपके क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं होता। वेल, कभी कभी चैट जीपीटी मनगढ़ंत आउटपुट दे देता है। अगर आपको लगता है कि चैट जीपीटी के द्वारा दिए गए आंसर आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हैं, तो आप वहाँ पे थम्स डाउन बटन जो है उसको क्लिक कर सकते हैं।
चैट जीपीटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।